हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, चंगे होंगे। सो गाइस, हैरी के चेरिश है इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। अभी तक मैंने जितने भी आपको 3 से 4 हैरी के चेरिश एपिसोड्स दिए हैं, एक भी स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, और हर काउंटर में अगर वो एक्टिवेट हुआ है तो उसने पैसा बना के दिया है। एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ। क्या पॉसिबल है कि अगले दिन उन्हीं स्टॉक्स पे रडार पे रखकर उसमें पैसा बनाया जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ परफॉर्मेंस कि कल जो जो स्टॉक्स दिए आप खुद चेक करो। 4 स्टॉक्स दिए थे, 3 में पैसा बना और 1 एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि पैसा तो बनता है, सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैरी के चेरिश। आज का जो पहला स्टॉक है इंडस टावर, यस बिलो 265 शार्प फॉल वी कैन सी एंड वी कैन एक्सपेक्ट अप टू 257-251 का टारगेट होगा, जो ऊपर का स्टॉप लॉस यानी कि हर्डल होगा 271-273 का ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। सेकंड स्टॉक इंडिया मार्ट, आप देखो डेली टाइम फ्रेम में इसको जरूर जाके देखना। आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं, इंडिया मार्ट का एक शार्प फॉल आया है और शार्प फॉल आने के बाद काफी दिनों से नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जो लो बन रहा है, यस बिलो 7100 के नीचे हम ठोकेंगे, कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि बिग स्लाइड ऑन कार्ड। और जो इसका ऊपर का हर्डल है 72.56-72.77 है, अगर ये लेवल आपको नेक्स्ट कमिंग 5 डेज के अंदर दिखा, इस लेवल पे आपको ओनली थिंग फॉर द ठोको यानी कि सेल करना है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको कुछ बड़ा नेगेटिव मूवमेंट इसके अंदर दिखेगा और वर्टिकल फॉल यू कैन सी अप टू 67.56-66.76 का हमारा टारगेट होने वाला है। थर्ड स्टॉक हैरी के चेरिश में आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, यस लक्ष्मण रेखा 271 वंस क्रॉस तूफानी रैली अप टू 296-305 विद स्टॉप लॉस 267 का। फोर्थ स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं एस्कॉर्ट, बिलो 1840 बास्केट सेलिंग विल कम, यस बास्केट सेलिंग विल कम, कुछ बड़ा ऑपरेटर आके इसमें ठोकने वाला है। पैनिक अप टू 1796-1786 तक का टारगेट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैरी का मेरा फेवरेट चेरी शेयर्स में दो हैं, MFSL एंड विप्रो। सो MFSL बाय अबव 1001, फैंसी नंबर है, आपकी गाड़ी का नंबर भी होता है मुझे मालूम है। सो बाय अबव 1001 बढ़िया टारगेट 1027-1035, स्टॉप लॉस 986-981 का आपका नीचे का हडल होने वाला है। विप्रो लास्ट क्लोज 646, फैंसी नंबर अगेन। लक्ष्मण रेखा 657 है और ये जो लक्ष्मण रेखा है जबरदस्त पावरफुल है और मेरे को विद इन 2 डेज के अंदर जो इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर लक्ष्मण रेखा टूटता है 657 का लेवल टूटता है तो टारगेट अप टू 696-710 तक का हमारा टारगेट विप्रो में मिल सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको कोई भी ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करें। और मजे की बात, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की कुछ लाइव ट्रेड्स मैं आपसे शेयर करूं, सिर्फ आपको हमारे अंडर अकाउंट ओपन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका फेवरेट हो अकाउंट ओपन करिए। और हाँ, उसके बाद लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लाइव मार्केट के अंदर लाइव कॉल्स प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको मिलते चले जाएंगे, जिसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 90% मैं बात करता हूं। आप खुद ज्वाइन हो जाइए और बताइए इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है, राइट? सो आशा करता हूं आपको सीखने को मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और हाँ, एडवांस स्टॉक सिलेक्शन करता हूं, क्या ये पॉसिबल है? अब तक की 100% एक्यूरेसी लेवल है इन हैरी के चेरी शेयर्स की। सो गाइस, स्टे ट्यून विद अस, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी देखो आगे मैं और क्या क्या चीज किया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।